जनपद मैनपुरी में जंगली जानवर के हमला करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर जनपद के ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिला है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के कुर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम खड़ेपुर का है, जहां ग्राम निवासी सूरज पाल भेड़ पालने का व्यवसाय करते हैं। पीड़ित अपनी आधा सैकड़ा भेड़ों को बाड़े में बंद करने के बाद घर चले गए थे। बीती रात जंगली जानवर ने भेड़ों पर अचानक से हमला कर दिया। भेड़ों की चीख पुकार सुन बाड़े पर पहुंचे तब तक लगभग 40 भेड़ लहूलुहान होकर दम तोड़ चुकी थी और लगभग 10 भेड़ गंभीर रूप से घायल हुई। पूर्व प्रधान कमलेश यादव ने तत्काल पुलिस को इस बाबत सूचना दी। मौके पर पहुंचे उप निरीक्षक प्रताप सिंह ने जानकारी जुटाई। वहीं पुलिस ने सभी मृत भेड़ों का पोस्टमार्टम कर उनका अंतिम संस्कार भी करवाया है। बहरहाल वह जंगली जानवर कौन था, इस बारे में पशुपालक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाया है, लेकिन लगभग आधा सैकड़ा भेड़ों की मौत से गांव में सनसनी फैली है। अन्य पशुपालक भी अपने पशुओं की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। इस विषय को लेकर क्या नाम है आपका? कमलेश यादव, पूर्व प्रधान। गांव में भीड़ ग्राम ऐसे जंगली जानवरों रात को हमला किया, जंगली जानवरों तो उसमें लगभग 38 भेड़ तो खत्म हो चुकी है, 9 लगभग घायल हैं अभी। मौके पे क्या कोई विभाग आया, वन विभाग वगैरह? वन विभाग के लोग आए, पुलिस टीम भी है कुछ, और कुछ टीमें आ रही हैं अभी। पीएम वगैरह हो जाए, घायलों का उपचार अभी तक नहीं हो पाया है, 2-3 घंटे बैठ कर रहे लोग। क्या लगता है कौन जंगली जानवर हो सकता है? भेड़िया, अब ये जांच का विषय है, वन विभाग वाले देखें कहां कौन हो। जैसे भेड़िया की जैसा चल रही है लगातार, क्या लगता है भेड़िया भी हो सकता है? हो सकता है। नाम है आपका? जी, आपकी भेड़िया खत्म हो गई। भेड़िया कैसे खत्म होंगी? कितनी भेड़िया खत्म होंगी? भेड़िया खत्म हुई 38, तो 27 भेड़ बची और बच्चा किया धोखा में। घायल कितनी है? घायल 9। क्या लगता है कैसे खत्म होंगी? जन्म आया कोई नहीं साहब, घंटे को 4 बजे की बात है, 10 बज रहा है, मतलब 6 घंटे करीब। कोई अभी तक अधिकारी नहीं आया? नहीं। क्या चाहते हो आप? हम तो जय चाहे साहब, हमारे इलाज हो और कोई जाना मिला। कितने की लमसम भेड़ी होंगी जो हर चीज भेड़िया खत्म होंगी? मान लो 4 लाख की करीब। 4 लाख। नाम आपका? प्रेमचंद। प्रेमचंद जी, आपके गांव में भेड़ें की मौत हुई है, कैसे हुई है, कितनी भेड़ें खत्म हुई? 40 भेड़ें खत्म हो गई। कैसे हो गई, क्या हुआ था? भेड़िए की वजह से। और यहाँ एक वन विभाग है पास में, वहाँ वन विभाग में 2-1 भेड़िए रहते हैं। इसके करीब 10 दिन पहले एक भेड़ को वहाँ खा लिया था, भेड़िए दिन में खा लिया था, खुद चौपिया ने अपने आंखों से देखा था, मौके पे देखा था, वहाँ मर गया तक। तो वहाँ फिर उनसे गाड़ा आए, उस वन विभाग में रहते हैं 2-3 भेड़िए, सामने खाते हुए देखा है, एक नहीं 2-3 चौकी है हमारे। उसके बाद कोई वन विभाग के अधिकारियों की कार्रवाई की है? कार्रवाई कुछ नहीं की है वन विभाग के, न वन विभाग यहाँ पे कोई अभी आया भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं कोई आया उपचार के लिए। जो 10-12 भेड़े घायल है और मौके पे आ जाते तो भी 10-12 भेड़े बच जाती है, उसमें भी 2-4 भाई मर जाएंगे। क्या चाहते हो आप गांव में? हम तो भेड़िए की लगातार दहशत है, आज ये घटना आपके गांव में हुई है, क्या चाहते हो? ये भी चाहते हैं इनको मुआवजा मिलना चाहिए, इनका उपचार कराया जाए और टीम आके वन विभाग में चेक करे, जो वहाँ अगर भेड़िए है पाया जाए उसे ले जाए।